एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने या इंद्र के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से ना करे, एक अध्यापक केवल यह सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए कि वो ऐसी पीढ़ियां तैयार कर देता है तो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। मुझे आश्चर्य होता है, आईएएस के घर में पैसे निकले तो एक हफ्ते तक तो गिनती लग गई, एक हफ्ते तक गिनती हुई, नोट नहीं गिने गए। ये क्या देश बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल जो बीज जड़ में जाना चाहिए वो ठीक नहीं चल रहा। लोग कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी। मैं बड़े आदर के साथ हमारी दिवंगत मां उस महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से असहमत होता हूं। मर्दानी क्या लड़ी जब उस पूरे अंचल के मर्दों ने अपनी पगड़ी अंग्रेजों के नीचे रख दी, तब वो एक जनानी लड़ी, तब एक महिला लड़ी। जिस देश में भ्रूण हत्याएं होती हों, जिस देश में 10 बजे के बाद घर से बाहर निकली हुई बिटिया के बारे में तय ना हो पाता हो कि वो ठीक वापस आएगी या नहीं आएगी, जिस देश में आज भी घरों में स्त्रियों के साथ मैनहैंडलिंग होती हो, जिस देश में बेटियों को पढ़ाने के नाम पर यह बात होता हो कि ये पढ़ के क्या करेगी, कोई भगवान प्रसन्न नहीं होगा इस बात से कि उसके बच्चे ठीक से नहीं पढ़े, कोई भगवान प्रसन्न नहीं होगा कि उसकी बेटियां असुरक्षित रहे। देश में कोचिंग सेंटर हो, ये मेरे लिए खुशखबरी नहीं है। मुझे पता नहीं कि मैं अपना जीवन का रथ साहित्य में कितने दिन रखूंगा, राजनीति में कितने दिन जाऊंगा, समाज सेवा में कितना समय बिताऊंगा, या पूर्ण रूप से अध्यात्म की तरफ कब प्रवृत्त हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मूलतः मैं इस प्रवृत्ति के खिलाफ हूं कि किसी लोकतंत्र की राज्य व्यवस्था में शिक्षा देने का कार्य दूसरों को करना पड़े। मैं मूलतः इसके खिलाफ हूं कि किसी शहर में या किसी राज्य व्यवस्था में किसी दूसरे को चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़े। यह मूलतः हमारी शासन व्यवस्थाओं के फेल हो जाने की घोषणा है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इस देश में लोग आईएएस बन रहे थे, इस देश में लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहे थे, इस देश में लोग इंजीनियरिंग में जा रहे थे, हम जैसे बच्चे जा रहे थे कस्बों के, किसी कोचिंग से नहीं गए थे। गुरुजी जो स्कूल में पढ़ाते थे, जो सरकार का स्कूल था, उन्हीं में हम, मैं तो द्रोणाचार्य भी नहीं कहता, द्रोणाचार्य तो फिर भी किसी मेधावी एकलव्य का अंगूठा मांगता है, ऐसे गुरु जो केवल प्रणाम मांगते थे, केवल आपका स्मरण मांगते थे, उन्होंने इस देश की नींव गढ़ने वाले लोगों को तैयार किया है, सरकारी स्कूलों में तैयार किया। हम में से अधिकांश लोग जो 70 के दशक में पैदा हुए हैं, वो या तो घर पर दाई के हाथों पैदा हुए हैं या सरकारी अस्पताल में पैदा हुए। आज एक सामान्य 30-40 हजार की नौकरी करने वाला आदमी इस बात की सोचता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो 1,00,000 रुपए बचा लूं, क्योंकि प्राइवेट में 1,00,000 रुपए लगेंगे और ईश्वर ना करे सीजेरियन करवाना पड़े तो 2-2.5 लाख लग जाएंगे। ये मूलतः शासनों की, प्रबंधनों की, राजनीति के फेलियर की घोषणा है। लेकिन यह देश है कि जहां जहां सत्ता फेल होती है, वहां वहां इस देश की जनता उस व्यवस्था को संभाल लेती है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने इस व्यवस्था को संभाला है, क्योंकि इस देश को तो आईएएस चाहिए, इस देश को तो एसडीएम चाहिए, इस देश के तटरक्षक बलों को तो कमांडेंट चाहिए, इस देश की सीआईएसएफ को तो बेटे चाहिए, वो आएंगे कहां से? याद रखिए, यहां बैठे हुए शिक्षकों, मैं सबसे पहले आपसे बात शुरू करता हूं, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने या इंद्र के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से ना करे, एक अध्यापक केवल यह सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए कि वो ऐसी पीढ़ियां तैयार कर देता है तो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। कौटिल्य के अध्यापकों,
आपके पास जिम्मेदारी ये नहीं है कि कौटिल्य अकेडमी 30 साल कैसे चलेगी, 40 साल कैसे चलेगी। आप पर जिम्मेदारी ये है कि आपके यहाँ जितने बच्चे आए, चाहे वो सेलेक्ट हों चाहे ना हों, वो जिंदगी से भरे हुए और भारत के प्रति उत्तरदायित्व से भरे हुए पैदा हों। ये जो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीच आ गई है, ये जो गैर जिम्मेदारी हमारे बीच आ गई है, 2011 आंदोलन शुरू होने से पहले तक मैं भी पढ़ाता था, BA MA की क्लास पढ़ाता था, और मैं देखता था कि मेरी कॉलोनी में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी या एक छोटा सा व्यापार करने वाले आदमी के चेहरे पर जितनी हनक, जितनी तेजस्विता, जितना गौरव बोध, अपने काम के प्रति जितना उत्सुक भाव होता था, उतना अध्यापकों में नहीं होता था। क्योंकि आप इस बात से मत तोलिए खुद को कि आपको वेतन कितना मिलता है, आप इस बात से मत तोलिए कि आपको विधायक जी जानते हैं कि नहीं जानते, उषा जी आपकी मंत्री हमारी बड़ी बहन आपको जानती है कि नहीं जानती है, आप इस बात से तोलिए कि ये सब लोग ट्यूबलाइट में कनेक्शन लगाने का काम करते हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक दीपक से लाखों दीपक जलाने का काम करते हैं, यह आपका कौशल। बहुत सारे अध्यापकों को यह बात लग सकती है कि कुमार विश्वास ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं कि खुद भरे पेट के आदमी हैं। बिल्कुल गलत बात। अर्थ से किसी बात की अर्थवत्ता तय नहीं होती, पैसे से किसी बात की चीजें तय नहीं होती हैं, और अगर अर्थ से चीजें तय होती तो यहां हिस्ट्री तो सब लोग पढ़ते हो, इतिहास तो सब लोग पढ़ते हो, जितने इतिहास के विशेषज्ञ बैठे हो या गुरुजन बैठे हो मुझे याद करके बताएं, पूरे 1000 साल में 2 सेठों के नाम बता दो, पूरे 1000 साल के भारत के इतिहास के सेठों के नाम पता नहीं है तुम्हें, 14वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सेठ कौन था दिल्ली का पता नहीं है, 16वीं शताब्दी में इंदौर का सबसे बड़ा सेठ कौन था पता नहीं है, केवल 2 सेठों के नाम इस देश को याद हैं, एक अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के लिए अपने पूरे खजाने को खोल देने वाला भामाशाह, और एक स्वतंत्र भारत की लड़ाई में गांधी के पीछे अपना धन लगा देने वाले बिड़ला जी, केवल 2 सेठों के नाम याद है। इन 2 सेठों के नाम भी क्यों याद है, इन 2 सेठों के नाम इसलिए याद हैं कि इन दोनों सेठों ने अच्छे काम के लिए अपने पैसे को लगाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसा बहुत कमाया। ब्रांड के लोग मुझसे कहते कि फला प्रोग्राम में चले जाइए टीवी में, फला काम कर लीजिए, रेस्टोरेंट खोल दीजिए, तो मैं कहता हूं ये मेरा काम ही नहीं है, एक दो काम मैंने ऐसे किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, उनका पश्चाताप आज तक पूरा नहीं हो रहा मुझसे। ईश्वर ने तय कर दिया, नियति ने तय कर दिया, मुझे कहकर भेज दिया कि कुमार विश्वास तुम्हें मैं विशेष कृपा से नवाज रही हूं बेटा, मैं तुम्हें समय अवसर के अनुकूल ही बात याद आने का कौशल सौंप रही हूं, मैं उसको कह सकने की शब्दावली तुम्हें दे रही हूं, और मैं बिना किसी सत्ता से भयभीत हुए, बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आए, देश की, राष्ट्र की, लोकतंत्र की और मनुष्यता के हित में बोलने वाला कलेजा भी दे रही हूं, तो जो काम भगवान ने मेरे लिए तय किया है अगर उसमें मैं ज्ञान अपना लगाऊं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन। इसलिए जितने भी बच्चे यहां तैयारी कर रहे हैं और आज जितने बच्चे जिनकी नौकरी लगी है, अगर आपसे ईश्वर को कुछ और कराना होता, अगर पैसे ही कमवाने होते तो 10वीं पास लोग पैसे कमाते हैं, 12वीं पास लोग 2000 करोड़ के टर्नओवर का काम करते हैं। आपको पढ़ा लिखा कर कौटिल्य एकेडमी में आपने 1 साल भर पढ़ाई की, 2 साल पढ़ाई की, इसके बाद आपको जज इसलिए बनाया गया है, इसके बाद आपको SP इसलिए बनाया गया है, इसके बाद आपको कलेक्टर इसलिए बनाया गया है कि इंदौर के किसी कोने में, देवास के किसी कोने में, भारत के किसी कोने में जहां आपकी नौकरी लगे, वहां एक छोटी सी ढाणी में भी रहने वाला एक आदमी, झोंपड़ी में रहने वाला आदमी भी जब आपके द्वार पर न्याय मांगने आए तो इस कौटिल्य अकादमी की शिक्षा याद रखना। मुझे आश्चर्य होता है, IAS के घर में पैसे निकले तो 1 हफ्ते तक तो गिनती लग गई, 1 हफ्ते तक गिनती हुई, नोट नहीं गिने गए। ये क्या देश बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल जो बीज जड़ में जाना चाहिए वो ठीक नहीं चल रहा। ये जो देश के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये केवल अध्यापक कर सकता है। दुनिया के बड़े बड़े देश रोए
दुनिया में जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर दो नंबर तीन था, जिन स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाने के लिए हम तरसते थे कि 5 दिन की छुट्टी है 10 दिन की हो जाए, जिस इटली में घूमते हुए हम वीडियो बनाते थे कि वेनिस में घूम रहे हैं कि फ्लोरेंस में घूम रहे हैं, 100-150 लाशें गिरी तो पूरा वेनिस रोने लगा, पूरा स्विट्जरलैंड रोने लगा। लेकिन ये देश है भारत, जहां कोरोना ने अपना आतंक मचाया और सरकारें पीछे हटी, तो कोई ना कोई एक सिद्धांत जोशी जैसे व्यक्ति, कोई ना एक कुमार विश्वास, कोई ना कोई आप में से उठा और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हम सबने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, हमने कहा कोई बात नहीं, अगर व्यवस्था नहीं पहुंच रही है, सरकार तैयार नहीं थी, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम साथ हैं। भूल गए क्या उस दिन को? याद करिए उस व्यक्ति को जब आपने अखबार में एक खबर पढ़ी कि कैंसर के पेशेंट, जब कोरोना पीड़ित 70 साल का, उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी जी चुका, ये जो पड़ोस में नवयुवक परेशान है इसको ऑक्सीजन दे दीजिए, इस विचार का नाम भारत। इस थॉट प्रोसेस का नाम हिंदुस्तान है। अमेरिका में 12वीं पास करके अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता, अभी मैं कुछ क्ले से कुछ बनाना चाहता हूं, कोई बच्चा कहे कि मैं कविताएं करना चाहता हूं, कोई बच्चा कहे नहीं नहीं मैं तो ट्रैकिंग करना चाहता हूं, कोई बच्चा कहे मैं राफ्टिंग करना चाहता हूं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट $2,000 का स्टाइपेंड देती है 3 वर्ष तक, 1.5 लाख रुपए महीना। सरकार बच्चे से कहती है ठीक है बेटा तू वक्त बिताइया, 1.5 लाख रुपए महीने ले ले, प्रयोग कर। यहां तो ग्रेजुएशन ना करने के बाद अगर नौकरी ना मिले, 1-2 साल लेट हो जाओ तो सरकार तो छोड़ो घरवाले लोटियां गिनने लगते हैं कि 5 खाता है कि 6 खाता है, पड़ोसी पूछने लगते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इस देश की सामूहिक ताकत किसी सरकार के पास नहीं है इंदौर वालों, इस देश की सामूहिक ताकत आपकी एकात्म ताकत है। ये सारे बच्चे जो यहां से NEET करके जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, ये सारे बच्चे जो IIT करके जाएंगे, ये सारे बच्चे जो अन्य संस्थाओं में जाएंगे, इनकी सामूहिक ताकत इकट्ठी जब एक साथ हो जाती है तब वो लाल किले से बोलती है प्रधानमंत्री बनकर, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, और वही ताकत है कि बरसते गोलों के बीच में, दो देशों की सेनाओं के बीच में जब भारत का बेटा बेटी निकलता है और दोनों सेनाओं को एक बार तिरंगा दिखा देता है, तो न केवल मार्ग दे दिया जाता है बल्कि सल्यूट किया जाता है कि भारत के बच्चे जा रहे हैं। यह भारत की सामूहिक ताकत है और यही किसी देश को बड़ा बनाती है। ग्वालियर में जिस अंग्रेज सार्जेंट ने रानी लक्ष्मीबाई को परास्त किया भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम में, 18 जून को रानी वीरगति को प्राप्त हुई, सेनानियों की तरह लड़ी। लोग कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी, मैं बड़े आदर के साथ हमारी दिवंगत मां उस महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से असहमत होता हूं। मर्दानी क्या लड़ी, जब उस पूरे अंचल के मर्दों ने अपनी पगड़ी अंग्रेजों के नीचे रख दी तब वो एक जनानी लड़ी, तब एक महिला लड़ी। मर्द क्यों प्रतीक है पुरुषत्व का, मर्द क्यों प्रतीक है साहस का, मर्द क्यों प्रतीक है उपलब्धि का। मेरे पिता ने हम 5 भाई बहनों को पढ़ाकर इस योग्य बनाया कि कोई कुमार विश्वास बना, कोई वाइस चांसलर बना, कोई कुछ और बना, लेकिन मेरे पिता हमें पढ़ा सकें, हमको समय पर भोजन मिल सके, मुझको इस बात की चिंता ना हो कि स्कूल की सुबह की ड्रेस कहाँ है, इस बात के लिए मेरी माँ ने अपनी हड्डियाँ गलाई, अपनी आँखों की रोशनी गलाई, उसका योगदान मेरे पिता से बड़ा है, मेरे पूरे परिवार से बड़ा है। रानी जिस सार्जेंट ने परास्त की, 3 महीने बाद सितंबर में उसी सार्जेंट ने सुदूर दक्षिण में जाकर चित्तूर की रानी चेन्नम्मा को परास्त किया। ऐसी भीषण गर्मी में नॉटिंगम इंग्लैंड के रहने वाले उस लड़के ने 24 साल की उम्र में यूनियन जैक के लिए लड़ाई करी। मुझे दुख है कि हम वो युद्ध हारे, अपने घर के लोगों की वजह से हारे,
लेकिन मैं कई बार सोचता हूं, जब भी मैं इंग्लैंड जाता हूं मैं यही सोचता हूं कि क्या मिट्टी में इसमें बात रही होगी, इसके बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। माना चोर थे, माना डकैत थे, लेकिन कोई तो जुनून था अपने झंडे के लिए, अपने यूनियन जैक के लिए, कि दो तिहाई दुनिया पर उनका झंडा फहराता था। 21वीं शताब्दी में जीने वाले इंदौर के बच्चों, अगर ये देश 25 साल मुट्ठी बंद करके ये बात कह दे कि हम हिंदू मुसलमान भूल जाएंगे, पूरी दुनिया पर तुम्हारे ज्ञान का झंडा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। पर हमको तो काम बांट रखा है, हमारी भावनाएं तो इस बात पे आहत हो जाती हैं कि फला आदमी जूता लेके अंदर चला गया कि जूते से बाहर आ गया। जिस देश में भ्रूण हत्याएं होती हों, जिस देश में 10 बजे के बाद घर से बाहर निकली हुई बिटिया के बारे में तय ना हो पाता हो कि वो ठीक वापस आएगी या नहीं आएगी, जिस देश में आज भी घरों में स्त्रियों के साथ मैनहैंडलिंग होती हो, जिस देश में बेटियों को पढ़ाने के नाम पर यह बात होता हो कि ये पढ़ के क्या करेगी, कोई भगवान प्रसन्न नहीं होगा इस बात से कि उसके बच्चे ठीक से नहीं पढ़े, कोई भगवान प्रसन्न नहीं होगा कि उसकी बेटियां असुरक्षित रहे। तो कौटिल्य अकादमी में पढ़ने वाला, जैसा ताई ने कहा, 1000 अफसर हों, 200 पीसीएस अधिकारी हों, 150 आईपीएस लड़कों का प्रमोशन आए 10 साल बाद, ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है, जब इसे सिलेक्शन मिलेगा, उनकी महफिल हो, सेक्रेटरी लेवल के जो आईपीएस होते हैं उनका ओरिएंटेशन होता है मसूरी में, मैं कई बार बोलने गया हूं वहां, नैनीताल में भी होता है, जहां वो 5-6 दिन रहते हैं और हम जैसे लोग 3-4 दिन में बुला के बताते हैं कि भाई आप ये करिए, ये करिए जनता के लिए। तो कौटिल्य का लड़का अलग दिखाई दे, कौटिल्य की लड़की अलग दिखाई दे, इसके लिए जिम्मेदारी हमारे गुरुओं की और आपकी भी है कि यहां प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपकी निजी नैतिक शिक्षा और आपकी निजी राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था भी हो, यहां कुछ ऐसे रिचुअल्स हों, कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसी चीज हों जो किसी दूसरे संस्थान में ना मिलती हों। पाठ्यक्रम तो मिल जाएगा, लेकिन अंदर का संस्कार अगर आपने दे दिया तो वह सारे पाठ्यक्रमों को पार करके भी आपको विजय दिला देगा, यह तय बात। कोरोना में कैसे कैसे बड़े लोग गए, कैसी कैसा पागलपन था, जिंदगी का पहाड़ चढ़ रहे ऐसे बड़े धनी थे जो कंगालों की तरह गिड़गिड़ा रहे थे कि थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए, थोड़ी सी रेमडेसिविर मिल जाए, थोड़ी सी टॉसली जुलेब मिल जाए तो हम बच जाएं। ईश्वर आपको यही समझाने आया था कि जिंदगी में उपलब्धि वो नहीं है जिसे दूसरे मानते हैं, जिंदगी में उपलब्धि वो है जिसे करने के बाद आपको संतोष होता है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने बड़ा काम किया। तो पढ़ाई इसलिए मत करो कि मम्मी पापा ने भेज दिया है, पढ़ाई इसलिए भी मत करो कि नौकरी पानी है, और यह मानसिकता गहरी घुस रही है। पूरे भारत में कम लोग हैं जो आपसे ऐसी तलख बात कहेंगे, और मैं कह रहा हूं तो आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, पर जो सेलेक्ट हो गए हैं वो और जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो आज कसम खाएं कि जीवन में कुछ हो जाएगा, नौकरी बचे ना बचे, ट्रांसफर रुके, प्रमोशन हो, कुछ हो, हम ये तय करते हैं कि जीवन में रिश्वत नहीं लेंगे, एक पैसे की भी अगर इसकी कसम खा पाओगे तो आज का उत्सव सार्थक हो जाएगा। अब तक के भाषण की सबसे कम तालियां बजी हैं। आपको लगता है कि दिक्कत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अनुभव के सहारे कह रहा हूं आपसे। आपको लगता है कि गलती है? नहीं है ये गलती। कितने दिन जिंदा रह लोगे? 80 साल, 90 साल, 100 साल? इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद आपका संस्मरण बचेगा। अगर इंदौर की कचहरी में, अगर रतलाम की कोर्ट में 15 जज हों और बाहर खड़ा हुआ एक आदिवासी अपने जमीन के किसी दबंग के द्वारा कब्जाए जाने का मुकदमा ये सोच के प्रसन्न हो जाए कि अब मैं जीत जाऊंगा,
जिस जज साहब के यहां मुकदमा लगा है वो कौटिल्य में पड़े हुए हैं, पंडित जोशी उस दिन तुम्हारी साधना सफल होगी, उस दिन काम करो। आप सबसे इतना अनुरोध है कि आज रात जाकर थोड़ा सा सोचना। मैं जानता हूं कि आपके हिस्से सोचने के लिए ज्यादा गंभीर विषय समय हैं, आपकी नौकरियां हैं, आपकी तैयारियां हैं, आपके अफेयर्स हैं, हाँ वो बहुत महत्वपूर्ण काम है, सारी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन सारी प्राथमिकताओं के बाद भी ये सोचना कि मैं जिस काम के लिए तैयारी कर रहा हूं या जो पद मुझे मिल गया है मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं और मुझे अंततः कैसा होना है। दोस्तों इतिहास उठाकर देख लो, हिस्ट्री की कोई भी किताब पढ़ लो, ताकत पूजनीय नहीं होती, प्रभाव पूजनीय होता है। इस हॉल का नाम क्या है? गुरु अमरदास हॉल। ये सिखों के एक महान संत गुरु अमरदास जी के नाम पर है। वो पहले गुरु थे जिन्होंने लंगर में बैठना एक साथ सिखाया। उनके लंगर में दिल्ली का सुल्तान अकबर भी आकर बैठा। वो पहले गुरु थे जिन्होंने जाति प्रथा को भी खत्म किया कि सब एक साथ बैठेंगे और सब परोसगारी करेंगे। वो पहले गुरु थे। अभी गुरु तेग बहादुर जी जो नवम गुरु हैं, उनका शहीदी दिवस लाल किले में मनाया गया। बड़ी लाइटिंग हुई, बहुत भव्य विशाल कार्यक्रम हुआ। मैं उस दिन बड़ा प्रसन्न था तो मैंने ट्वीट कर दिया कि आंखों को बड़ा अच्छा लगा। तो एक विपक्षी पार्टी के हमारे दोस्त ने फोन करा कि भाई आपको क्या अच्छा लगा। बात यह कि मुझ जैसा व्यक्ति तो इसी बात पर बलिहारी है कि जिस औरंगजेब को यह अहंकार था कि वो किसी साधु का सर उतरवा सकता है, आज उसी के द्वारा राज्य किए गए लाल किले में उस साधु का यश गूंज रहा है, उसकी तालियां गूंज रही हैं। समय ऐसे न्याय करता है, समय इस प्रकार से आपसे बदला लेता है, जब आप नहीं होते तब आपके साथ न्याय होता है। इस देश के नोटों पर भगत सिंह की फोटो नहीं है, लेकिन शायद ही इस देश का कोई कलेजा हो जिसके अंदर भगत सिंह ना धड़कता हो। इस देश के नौजवानों पर विंग कमांडर अभिनंदन जैसी मूछें नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश की कैद में रहकर भी स्वाभिमान से निकलता हुआ जब वो शेर का बच्चा बाहर आया तो जिनकी मूछें नहीं थी उन्होंने भी मूछों पर ताल दिया कि क्या बेटा आया है निकल। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने काम से, अपने संस्थान का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने नगर, अपने देश का मनोबल बढ़ाते हैं तो वो देश आपके प्रति कृतज्ञ रहता है। सचिन तेंदुलकर जब छक्का मारते थे, विराट कोहली जब छक्का मारते हैं, रोहित शर्मा जब अच्छा खेलते हैं, 1 लाख की भीड़ में जब हम जैसा सामान्य एक अध्यापक का बेटा किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री की आंख में आंख डाल के सच बोल देता है तो आप ताली इसलिए नहीं बजाते कि आपने बोला, आप इसलिए बजाते हैं कि जो काम आप करना चाहते थे वो उसने किया, भारत का नाम ऊंचा किया, समाज का नाम ऊंचा किया। तो आपके सेलेक्ट हो जाने से, आपके IAS बन जाने से, IPS बन जाने से, आपके जज बन जाने से आपको एक सरकारी मकान मिलेगा, उसमें उस कस्बे के, उस गांव के, उस लहार के, उस भिंड के, उस गली के आखिरी किनारे पर रहने वाला आदमी जो है ना उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। जब आप काम करते हैं, जब आप बड़ा काम करते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं करते, आप उस पूरे समाज के लिए करते हैं। यहां बैठे कितने लड़के लड़कियां हैं जो आज इस बात की कसम ले रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर अंदर कौटिल्य एकेडमी उन पर गर्व करेगी कि हमारे यहां बच्चा पढ़ा था, हमारे यहां काम किया। क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है
और मुझे दुख होता है कि प्राइमरी स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति है, तीसरी क्लास का बच्चा डिप्रेस है। निदा फाजली का शेर है कि धूप में निकलो बारिश में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। भारत में डिप्रेशन, भारत में एंग्जाइटी, इस देश में। इंदौर के बच्चों, मध्य प्रदेश के बच्चों, मुझे बताओ कि साम्राज्य छिन जाने के बाद भी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाकर, जमीन पर सोकर, अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर मूछ पर ताव देने वाले महाराणा प्रताप के वंशज डिप्रेस हो सकते हैं? अपनी गुरिल्ला वार पद्धति से औरंगजेब जैसे अहंकारी और दुर्दांत शासक को पूरे दक्षिण भारत में घुमाकर और बीजापुर में आखिरी दिनों में मरने के लिए छोड़ देने वाले छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज डिप्रेस हो सकते हैं? अपने 6 माह के बेटे को पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवारें लेकर और दांतों से लगाम दबाकर यह घोषणा करने वाली 26 साल की वो सिंहनी जिसने ये कहा कि जब तक मेरी शिराओं में रक्त की एक बूंद है, अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर सकें, उसकी बेटियां डिप्रेस हो सकती हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में डिप्रेशन है और आपको काम सौंपा गया है, कि आपकी चेतना ये सब ना सुने जो मैं सुना रहा हूं। 17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है, बताइए आप। चौराहे पर खड़े होकर पुलिस का कांस्टेबल रात को ट्रक वाले से 20 रुपए का नोट लेता है, उससे सवाल जवाब करने की औकात नहीं है और गांधी पर बात करते हैं। नेहरू पर बात करते हैं, सावरकर पर बात करते हैं, चापेकर बंधुओं पर बात करते हैं। अरे हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, किसी ने अपने तरीके से अपना अपना काम किया। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती, उसे भविष्य छोड़ो वर्तमान तक मार्ग नहीं देता। गांधी ने ऐसा कर दिया था, नेहरू ने ऐसा कर दिया था, तुमने क्या किया इस देश के लिए? तुम्हें समय मिला है, जो समय काठियावाड़ के मंत्री और उसके बैरिस्टर बेटे गांधी को मिला था वो तुम्हें मिला है। काश कि कुछ ऐसा कर दो कि आने वाले समय में 50 साल बाद गांधी का चैप्टर छोटा पड़ जाए, तुम्हारा चैप्टर बड़ा हो जाए। तो जितने भी बच्चे यहां हैं, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, अध्यापक के प्रति, एक बात और साफ समझ लो, ये जो अध्यापक है जो तुमको आईएएस बना रहे हैं, ये जो अध्यापक है जो तुमको सिविल जज बना रहे हैं, ये जो अध्यापक है जो तुमको पीसीएस बना रहे हैं, ये खुद पीसीएस आईएएस नहीं बने हैं। लेकिन एक बात बता दूं, इनके बिना तुम भी पीसीएस आईएएस नहीं बन सकते, क्योंकि इन्हें इनकी असफलताओं ने यह सिखाया है कि यह नहीं करना है। भाई सिलेबस तो यूपीएससी का साइट पे लगा हुआ है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है, साइट से देख लो, पर कैसे पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो जाए, किस तरह सवाल को अटेम्प्ट करना है, यह तो इन्होंने ही सीखा है, यह तो गुरुओं ने सीखा है। गुरु आचरेकर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया था, पर गुरु आचरेकर के शिष्य ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है। मैं अक्सर देखता हूं, मैंने भी 17 वर्ष पढ़ाया था, मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चों में, लड़के लड़कियों में ये बात रहती है कि मुझको तो कहां पहुंचना है, गुरुजी कहां हैं। एक ही बात बोलूंगा आपसे,
छत सीढ़ी नहीं होती है। आधी बात समझे आप, आधी अब समझेंगे। छत सीढ़ी नहीं होती, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई छत नहीं बनी जो बिना सीढ़ी के पाई जा सके। ये सारे गुरु सीढ़ी हैं। और अगर संस्कृत पढ़ने वाले यहां बैठे हो, मनमोहन को बड़ी रुचि है संस्कृत में, हमारे प्रिय छोटे भाई को, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है, इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो आपको जहां आप खड़े हो उससे ऊपर ले जाता है। कौटिल्य अकादमी के 20वें वार्षिकोत्सव पर, इस जयंती पर, मेरी तो शुभकामना ये है कि गुरु अमरदास हॉल का ये जमावड़ा आप लोगों का, ये भारत भर का एक ऐसा अम्ब्रेला बन जाए, ऐसा छत्र बन जाए। और जो आज बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं इनसे भी इस बात की प्रॉमिस तो नहीं मांगता, इनकी अपनी इच्छा है, लेकिन इनसे इस बात का मन मेरा है कि ये ऐसा करें कि जितने में ये बच्चे पढ़ते हैं, जो फीस देकर पढ़ते हैं, लगभग इतने ही बच्चे जो बच्चे यहां से पढ़कर चले गए वो पढ़ाएं, जिनके पास फीस नहीं है, जिनके माँ बाप फीस नहीं दे सकते हैं। दूसरों को मार कर खाइए, ये विकृति है। वो अपना खाए, आप अपना खाओ, ये प्रकृति है, लेकिन दूसरा खा सके आप इसकी चिंता करके खाओ, ये संस्कृति है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप धारा के विपरीत क्यों बहते हैं। मैंने जो वाक्य कहा उसको याद रखना, अधिकारी बनते समय जिंदा छातियां और बाहें धारा के विपरीत तैरती हैं, लाशें धारा के साथ बहती हैं, जो मर जाते हैं वो धारा के साथ। इसीलिए हमारे यहां कविता कहती है कि लीक लीक तीनों चलें, कायर कूत कपूत, और बिना लीक तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो ये जो परीक्षाएं हैं, ये तो केवल एक हर्डल है, जिंदगी तो इससे आगे शुरू होगी। और अभी थोड़े समय के लिए आपको भ्रमित करने के लिए सारे उपचार हैं, मोबाइल है जिसमें पूरी दुनिया है, व्हाट्सएप है। आप में से कितने सारे बच्चे सोचते होंगे मेरे वीडियो सुन के कि इन्हें याद कैसे रहता है इतना, बहुत सारे सोचते हैं। कितने सोचते हैं, हाथ उठा के बताओ, सभी सोचते हैं। सारे पत्रकार मुझसे यही पूछते हैं कि आपको याद कैसे रहता है, आपने आठवीं में पढ़ा आज कैसे याद है। एकमात्र कारण जो मुझे लगता है, बाकी भी होंगे, सबसे बड़ा कारण है मेरी स्मरण शक्ति अच्छी इसलिए हो पाई कि मेरे समय में मोबाइल नहीं था। कोई डाइवर्जन ही नहीं था, ताई दीपक जला रही थी, मैंने ताई से कहा कि आप जलाइए, अरे बोले तुम आओ, वो दीपक जलने में थोड़ी देर लगा रहा था, तो ताई ने उसकी बात ही हल्की निचोड़ दी और फिर दीपक जला। मेरे अंदर श्लोक चला, सत्याधारम तपस तैलम, सत्य का आधार हो तप का तेल हो, दया वर्तिक क्षमा शिखी, दया की बत्ती हो और क्षमा की ज्योति हो, अंधकारे प्रविष्ट अव्ये दीपो यत्ने न वार्तयाम। अगर ऐसा दीपक जला दिया जाए तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। यह जो सोचने के पीछे कविता चलती है, सोचने के पीछे श्लोक चलता है, सोचने के पीछे कोई बात चलती है, ये इसीलिए चलती है कि जीवन में जो काम करता हूं एकाग्र होकर करता हूं। ये क्या परीक्षाएं हैं जिनके बारे में तुम चिंता करते हो, ये क्या पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके बारे में तुम बातें करते हो, तुम्हारे दिमाग की सेल का 2% यूज नहीं हो रहा है इसके लिए। कौटिल्य अकादमी तो केवल एक चौखद्दी है, केवल एक परिसर है जिसने तुमको माहौल दिया है, वरना इस परीक्षा को टॉप करने वाले तो तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर टॉपर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर विजेता बैठा हुआ है। वही दो आंखें हैं यार, वही दो हाथ हैं, वही एक बुद्धि है, बाकी तो तुम्हें सब समझ में आता है। चलो इस बात पे कसम खा लो आज कि जब तक इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर दोगे, दिन में केवल 2 घंटे मोबाइल देखोगे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, बोलो इस बात पे कसम खाओ जाओ।
देखो ताली बजाई है तुमने, इससे ध्वनि निकली है और ध्वनि स्थाई है, ईश्वर है। E=mc2। भगवान के सामने तुमने साक्षी दी है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जो स्क्रीन टाइम है जो आता है, आज से तय करो 2 घंटे तो अधिकतम कह रहा हूं। अगर किसी का 20 मिनट हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन चलो 2 घंटे मान लिया। 8 घंटे पढ़ना, 2 घंटे मोबाइल या टीवी जो कुछ भी हो, 4 घंटे और कोई काम जो तुम कर सकते हो, और फिर 8 घंटे सोना। ये अगर टाइम टेबल बना लो अगले कुछ समय के लिए, तो परीक्षा में कुछ नहीं रखा है। तो मैं अगली बार आशा करता हूं कि मुझे जोशी जी नहीं बताएंगे, कौटिल्य एकेडमी नहीं बताएगी, मुझे मेरे फेसबुक पेज के मैसेंजर पर इस हॉल में बैठा हुआ एक एक लड़का और एक एक लड़की बताएगी कि सर आपने शाम को 6 बजे एक बात कही थी और उसने मेरे जीवन में उजाला ला दिया, आज मैं सेलेक्ट हो गया हूं, इसलिए आपको मैसेज कर रहा हूं। ये मुझसे वादा था। ये 150 का आंकड़ा बता के, 200 का आंकड़ा बता के इनको कौन से लड्डू पेड़े मिलने हैं? ये जो बताते हैं कि 123 बच्चे सेलेक्ट हुए, इनको क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना। इनको केवल एक गौरव की, एक आत्मसंतुष्टि की भावना आनी है। जैसा पुरुषार्थ इन भाइयों का है, मैं इस परिवार से भी परिचित हूं, जैसी लगन इनकी है और जैसा व्यसनहीन जीवन इनका है, ये तो ईंट का भट्टा लगाए तो वो भी चलेगा, कोई और काम कर रहे तो भी चलेगा, मकान बनाने लगे तो भी चलेगा, बिल्डर बन जाए तो भी चलेगा। लेकिन ये बिल्डर नहीं है, ये मकान नहीं बना रहे, ये घरों को चलाने वाले चिराग पैदा कर रहे हैं, आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। चलो एक बात और करिए, आज मैंने आपसे 3 कसम खवाई, 2 कसम तीसरी और आखिरी कसम, एक कसम और खाइए। मम्मी से नहीं, पापा से नहीं, जोशी सर से नहीं, डॉक्टर मनमोहन सर से नहीं, मिश्रा जी से नहीं, किसी से नहीं, आज रात को जाकर सोने से पहले खुद से कसम खाओगे, अपने अंदर झांक कर उस आदमी का नाम लेना जो तुम हो, कि अंदर बैठे हुए आदित्य, अंदर बैठी हुई गरिमा, अंदर बैठी हुई प्राची, जो भी नाम हो तुम्हारा, मैं तुझे कसम खा के भरोसा दिलाती हूँ कि जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए माँ बाप ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उसको मैं किसी भी हालत में पार करके दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगा, ये कसम खाऊंगा। और अगर ये कसम खा ली तो करके दिखाओगे। अरे इंदौर में बैठे हो, यहां रह के भी राहत इंदौरी याद ना किया तो क्या हुआ? न किसी राहबर न रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और ये शेर क्या अद्भुत है कि वतन की रेह मुझे एड़िया रगड़ने दे। अब राहत भाई को याद कर रहा हूं, पहली बार राहत भाई के जाने के बाद इंदौर आया हूं। वतन की रेह मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। शरशैया पर पिता में भीष्म पड़े हुए हैं और उनके तंद्रा में, निद्रा में उनकी आवाज निकली कि जल। युधिष्ठिर ने सोने का पात्र मंगाया, लेकर भागा। दुशासन दूसरा चांदी का पात्र लेकर आया। द्रोणाचार्य खड़े हो गए लकड़ी का पात्र लेकर, गुरुदेव पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन पानी पीना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा जी बाबा, अभी पानी पिलाता हूं पिता। में तीर निकाला, धरती में मारा और इतना तेज तीर मारा कि जो वाटर लेवल था वहां से पानी फूटकर उनके चेहरे तक आया, उनके होठ तक आया। जिस समय आपका संकल्प और आपकी भुजाएं ये साहस पैदा कर देंगी कि जमीन में भी तीर मारूंगा, तो यहां से भी विकास की, प्रगति की,
सभ्यता की धारा निकलेगी, उस दिन कौटिल्य एकेडमी के सच्चे विद्यार्थी कहलाओगे, सच्चे बच्चे कहलाओगे। जीवन में परीक्षाएं बहुत आएंगी, मैं आपको शुभकामना देता हूं कि जीवन में जब ऐसी परीक्षा आए जो पाठ्यक्रम में ना हो कभी, जो पढ़ी ना हो कभी, गुरुओं ने जिसकी चर्चा ना करी हो, जिस समस्या के विषय में कभी सोचा ना हो, तब आज के इस उद्बोधन के बाद का आत्मज्ञान उस अंधेरे में थोड़ा प्रकाश आपके अंदर पैदा करेगा तो मेरा आना सार्थक हो पाएगा। आप सबने मनोयोग पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत